नमस्कार, आप सभी का मैं हूँ मुस्कान गुप्ता। कैसे हैं आप सब? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फीस स्ट्रक्चर की, जिसको लेके हमारी यूनिवर्सिटी में रिसेंटली कितना प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो फी है हमारी लगभग 4 गुना हमारी बढ़ा दी गई है। उसी फी को लेके आज हम बात करेंगे कि आपकी फीस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पहले कितनी फीस थी और अब कितनी फीस हो गई है जो न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए। तो यहाँ देखिए, हम कोर्स वाइज बात करेंगे, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये बीए कोर्स के लिए पहले आपकी जो फीस लगती थी वो थी 975 रुपीज ओनली फॉर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जिसका बीए में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे उनकी 975 फी लगती थी, एंड जिनका प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट थे उनकी फीस लगती थी 1175 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, इस फीस को बढ़ा के जो 975 है, तो नॉन प्रैक्टिकल वाले लोगों के स्टूडेंट्स के लिए क्या कर दिया गया है, 3701, एंड जो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस को कितना कर दिया गया है, 4151 रुपीज बढ़ा के यहाँ कर दिया गया है। बात करें अगर बीएससी के लिए, तो बीएससी में आप देखिए जो हमारी फीस लग रही थी वो थी 1125 रुपीज, एंड अब इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 4151 रुपीज। ओके, अब बात कर लेते हैं बीकॉम वालों की। तो बीकॉम वालों की यहाँ कितनी फीस लगती थी, 975 रुपीज लगती थी, एंड अब इसको इंक्रीज करके कितना, 3901 रुपीज कर दिया गया है, जो कि लगभग इसके चार चार गुना है। ठीक है, अब बात करते हैं एलएलबी कोर्स की। तो एलएलबी में देखिए हमारी कितनी फीस हो गई है। पहले हमारी लगती थी 1275 रुपीज, एंड इसको बढ़ा के कर दिया है 4651 रुपीज। तो काफी ज्यादा आपकी फीस हो गई है पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इसमें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फीस रहती है वो स्कॉलरशिप के थ्रू मोस्टली पूरी वापस आ जाती है। तो आपको जितनी भी फीस बढ़ रही है उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप यूपी की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी जितनी भी फीस आपकी लगी हो उस ईयर में, तो आपकी क्या रहती है, फीस उतनी ही वापस आ जाती है। मोस्टली स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करते हैं एलएलबी की। तो एलएलबी में हमारी कितनी लगती थी, सॉरी एलएलबी का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और यहाँ देखिए एमए की बात करते हैं, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में हमारी पहले लगती थी 1375 रुपीज़ फॉर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एंड यहाँ देखिए 1561 रुपीज़ लगती थी फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो इसको चेंज करके यहाँ कितना कर दिया गया है, 3901 रुपीज़, एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इट्स 5401 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं एमएससी के लिए। तो एमएससी में पहले हमारी जो फीस लगती थी वो थी 1861 रुपीज़, एंड अब इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, इसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 5401 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं एम कॉम वाले स्टूडेंट्स की। तो एम कॉम के लिए पहले कितनी फीस लगती थी, 1561 रुपीज़ लगती थी, इसको इंक्रीज करके 4901 रुपीज़ कर दिया गया है। तो आई होप फीस से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस की फीस है। ये जो आपकी फीस है ये मेन कैंपस की फीस मैंने यहाँ डिस्कस करी है। आने वाली वीडियोस में मैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस करूंगी, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।